करते हो कि सुबह जाने ही जाना है, डर रहे हो नहीं जाओगे तो कोई निकाल दिया जाओगे या दूसरा आ जाएगा, ये इमामत नहीं है, गुलामी है। और ये कौम गुलाम तब तक आपको बना के रखेगी, बल्कि ये कौम क्या कोई भी आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। ये कमजोरी है आपकी कि आप छोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, ये कमजोरी है। जिस दिन दूसरा वाला सवाल करेगा कि भाई उसे क्यों निकाला, कमजोरी खत्म हो जाएगी। और ये तभी होगी जब दूसरे वाले के पास रोजगार होगा। जब तक वो बेरोजगार है जब तक तो यही दुआ कर रहा है, या अल्लाह इसे 12,000 मिल रहे हैं तो ये कब जाएगा, मैं 10,000 पे आऊंगा। हाँ कम आ रहे हैं, कम पे आ रहे हैं, ये क्यों है? ये सिर्फ इसीलिए है कि बेरोजगार है, कोई कारोबार नहीं, तिजारत नहीं। जबकि हमारे तमाम अंबिया इकराम, तमाम हमारे सहाबा इकराम, तमाम हमारे आइम्मा इसाम सब रोजगार करते हैं। अब यहाँ जो नियत माने, नियत की मैंने इमाम के पीछे, तो इतना पीछे वाली नियत मान लेते हैं, कब इमाम क्या कर रहा है यही देखते रहते हैं। हर वक्त पीछे पड़े, हर वक्त फजर से जोहर तक इमाम के पीछे, फिर जोहर से असर तक इमाम के पीछे, असर से मगरिब तक इमाम के पीछे, मगरिब से ईशा तक, और ईशा से फजर तक भी देखते हैं कि इमाम कर क्या रहा, कई बजे तक ऑनलाइन था। ये तभी दूर होगा जब रोजगार होगा। रोजगार नहीं, हुनर नहीं, आपको लोग ऐसे ही दबाएंगे, सताएंगे और जाहिल आप पर हुकूमत करेंगे। ज्यादा लोग अगर आपके पास आएंगे जाएंगे तो यहाँ तक मैं आपको बताऊं, चप्पले वसीम भाई हमारे घर लोग आते थे, कार वगैरह से आते थे, मिलने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बोले इमाम साहब का फॉर्च्यूनर लेकर लोग लेके आते हैं। चप्पले गिनते थे कितनी लेडीज की चप्पल है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कितनी जेंट्स की चप्पलें हैं, चप्पलें गिनते थे। माम साहब के बहुत सारे लोग आना, आजकल क्या बात है, फोर व्हीलर से घूमते हैं। यानी ये बात है समझ गया। अरे मैंने चंदे पहले कार लिया, मैंने कार से लिया तो पूरे मोहल्ले में हुई, माम साहब खुद ने कार ली थी, बोले ये बात तो एक दोस्त ने मोहब्बत से कार दी, मेरे को शौक का कार लिया, इसीलिए मैंने तो तहरीर सब कुछ आलू हुई, फिर उनको बोला कि कार दिया क्यों, मैं सीखा हूँ चलाने के लिए, भाई कार चलाने के लिए नहीं है। तकलीफ हो गई मेरे मामले।